प्रिय मित्रों, मैं गंगाराम अपने YouTube चैनल गंगाराम राशि रत्न केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा चमत्कारिक फिरोजा रत्न। मित्रों, फिरोजा रत्न के अंदर गजब की चमत्कारिक क्षमता होती है। यह नवरत्नों की श्रेणी में तो नहीं आता, लेकिन फिरोजा एक उपरत्न है। लेकिन फिरोजा रत्न धारण करने वाले व्यक्ति को अगर यह सूट पड़ जाता है, अनुकूल पड़ जाता है, तो उसके बारे के न्यारे कर देता है। शनि, राहु, केतु तीनों ग्रहों की शांति के लिए फिरोजा धारण किया जाता है। मित्रों, मेरे व्यक्तिगत जीवन का अनुभव है, कुछ व्यापारी मित्रों को मैंने फिरोजा धारण कराया और कुछ स्टार लोगों को मैंने फिरोजा पहनते हुए देखा है, तो बहुत कम टाइम में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा तरक्की कर लेते हैं। इस रत्न के अंदर एक गजब की चुंबकीय क्षमता होती है, गजब की ग्रेविटी होती है। तो फिरोजा रत्न के विषय में विस्तार पूर्वक आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त समस्याओं के समाधान के लिए और गवर्नमेंट लैब से टेस्टेड रत्न खरीदने के लिए आप हमारे कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, स्क्रीन पर भी दे दिया गया है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, विषय को आगे बढ़ाते हैं। शनि, राहु, केतु तीनों ग्रहों की शांति के लिए फिरोजा रत्न धारण किया जाता है। मित्रों, इस रत्न को धारण यदि विधि पूर्वक धारण किया जाए तो इस रत्न को धारण करने वाले व्यक्ति के चारों तरफ ऊर्जा का एक घेरा बन जाता है, एक ओरा बन जाता है, और ऊर्जा का वह जो घेरा है वह व्यक्ति के आसपास नकारात्मक ऊर्जा को, नेगेटिव एनर्जी को फटकने नहीं देता। मैंने देखा है कि जब अनेक प्रकार के उपाय करने के बाद, हजारों तरह के टोने टोटके करने के बाद भी व्यक्ति के कार्य का विस्तार नहीं हो रहा है, तो निश्चित रूप से उन लोगों ने पूरे श्रद्धापूर्वक, निष्ठापूर्वक यह रत्न धारण किया। यह ब्रेसलेट में पहना जाता है और गले में पहना जाता है, तो निश्चित रूप से बहुत कम समय में वह अनेक प्रकार की समस्याओं से बाहर आ गई। विशेषकर फिल्म स्टार लोगों को मैंने फिरोजा पहनते हुए देखा है। तो ये मित्रों, यदि आप आर्ट के क्षेत्र में हैं, आप कलाकार हैं, आप गायक हैं, आप डांसर हैं, आप फिल्म लाइन में काम करते हैं, या इसके साथ साथ में आपका लोहे का व्यापार है, आपका ट्रांसपोर्ट का व्यापार है, आपका डीजल और पेट्रोल से जुड़ा हुआ काम है, अदरवाइज आपका भूमि से संबंधित व्यापार है, तो आप फिरोजा रत्न धारण करके लाभ उठा सकते हैं। नीले रंग का यह उपरत्न शनि की पूजा करके और भैरव जी की उपासना के पश्चात ही धारण करना चाहिए, मेरा अपना मानना है। और इसको अष्ट धातु में ही धारण करना, अष्ट धातु की रिंग में या अष्ट धातु का लॉकेट में ही पहनना चाहिए। और जब आप फिरोजा रत्न धारण करें तो उससे पहले भैरव जी के मंत्र से ओम बम बटुगाय नमः, इस मंत्र से इसको सिद्ध करना चाहिए। कम से कम 11 माला ओम बम बटुकाय नमः इस मंत्र की आपको करनी चाहिए। उसके बाद में गंगा जल में और दूध में स्नान करा करके और भैरव जी का मंत्र जपते हुए मध्यमा उंगली में, गले में या ब्रेसलेट में आप इस उपरत्न को धारण कर सकते हैं। मित्रों, यदि आपको यह रत्न अनुकूल नहीं होता तो 24 घंटे के अंदर इसको उतार देना चाहिए, क्योंकि अनुकूल ना होने पर भारी नुकसान भी कर सकता है। जिस रत्न की जो ग्रेविटी है या जिस रत्न की जो पावर है बहुत ज़्यादा होती है, वह अनुकूल ना होने पर नुकसान कर सकता है। फिरोजा अनुकूल ना होने पर जी मिचलाना, उल्टियाँ आना, गलत खबरों का मिलना, बहुत तेज सरदर्द होना, इस तरह के लक्षण आपको दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन जो भी होगा 24 घंटे के अंदर हो जाएगा। यदि आपको लगता है कि फिरोजा आपको अनुकूल नहीं है तो आप उतार दे या पहले ही टेस्ट करके देख ले, और अनुकूल होने पर फिर आप जीवन भर इस उपरत्न को धारण कर सकते हैं। तो मित्रों, फिरोजा रत्न धारण करने के पश्चात आप प्रत्येक शनिवार कुत्तों को तेल के पराठे, ब्रेड या बिस्कुट अवश्य खिलाएं, वह भी आपके लिए शुभ रहेगा। गरीबों की मदद करना और जो आपसे लोअर क्लास लोग हैं, आपसे आर्थिक स्थिति में छोटे लोग हैं, उनकी मदद करना भी आपके लिए शुभ रहेगा। तो मैं कामना करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते रहेंगे ऐसी ही छोटी छोटी पर शानदार जानकारियों के साथ।